किया था गेटिंग सिस्टम के बारे में और चिल्स के बारे में। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ए गेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन द सैंड मोल्ड। व्हाट आर द यूज ऑफ गेटिंग सिस्टम? गेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू पुश द लिक्विड मेटल मोल्टन मेटल इनसाइड द केविटी। जो हमारे पास मोल्टन मेटल है उसको केविटी तक हमें क्या करना है, सेंड करना है, पहुंचाना है, जो आपने केविटी बनाई है इनसाइड द सैंड। तो द पैसेज व्हिच आर यूज्ड टू सेंड द मोल्टन मेटल अप टू द केविटी, दैट पैसेज इज नोन एज ए गेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय थ्री मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड द टॉप गेटिंग सिस्टम। इन द टॉप गेटिंग सिस्टम मोल्टन मेटल इंटर इन टू द केविटी फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मोल्टन मेटल कहां से रीच करेगी? टॉप से इंटर करेगी। ठीक है, डायरेक्टली यू पुट द वर्टिकल रनर या वर्टिकल स्पर ऑन द टॉप ऑफ ए केविटी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ए गेटिंग सिस्टम इज नोन एज द टॉप गेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम? बिकॉज द मोल्टन मेटल डायरेक्टली फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दिस मोल्टन मेटल हिट टू द बॉटम ऑफ ए केविटी। ये मोल्टन मेटल क्या करेगी? डायरेक्टली हिट करेगी, ठीक है, टू द बॉटम ऑफ ए केविटी। एंड द सैंड इज इरोज्ड, सैंड इज वॉश्ड फ्रॉम द बॉटम एंड मिक्स्ड इन टू द मोल्टन मेटल। जब मोल्टन मेटल ऊपर से ड्रॉप होगी केविटी के अंदर, डायरेक्टली कहाँ हिट करेगी? बॉटम को हिट करेगी केविटी के, और ठीक है, और हाई वेलोसिटी से हिट करेगी, तब क्या हो जाएगा? जो बॉटम में सैंड है केविटी के, वो वहां से वॉश आउट हो जाएगी, बह जाएगी साथ में, और इट विल मिक्स। वो किसके साथ मिक्स हो जाएगी? मोल्टन मेटल मिक्स हो सकती है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अराइज व्हेन द हाइट ऑफ ए केविटी इज लार्ज। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब केविटी की जो हाइट है वो ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा हाइट होगी केविटी की, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी, और उतना ही जो आपका मोल्टन मेटल है वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी ज्यादा गेन कर लेगा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इरोजन होगा, सैंड का वॉशिंग होगी फ्रॉम द बॉटम। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर टॉप गेटिंग सिस्टम। एंड व्हाट इज द एडवांटेज? दैट द फर्स्ट इज इरोजन ऑफ द सैंड, that is the erosion of the sand. ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम किससे मिलती है? टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर मिलती है। The second is temperature gradient. ठीक है, जो molten metal सबसे पहले आएगी इसके अंदर इंटर करेगी केविटी के अंदर, that is solidify at first. वही सबसे पहले क्या होगी, कूल्ड होगी और solidify होगी inside the cavity. वो कहाँ आएगी? At the bottom, bottom के ऊपर. It will be lie at the bottom. बॉटम के ऊपर लाई करेगी, नीचे से केविटी फिल होना शुरू करेगी। तो सबसे पहले कौन सी मोल्टन मेटल फिल होगी? जो सबसे पहले इंटर की गई है, जो सबसे पहले बॉटम पर है, दैट इज सॉलिडिफाई। वो वही मोल्टन मेटल क्या हो गया आपकी, ये जो बॉटम पर मोल्टन मेटल है दैट इज सॉलिडिफाई। उसके बाद नेक्स्ट लेयर ऑफ मोल्टन मेटल विल बी इज अप टू द, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोल्टन मेटल आएगी उसके ऊपर आएगी, उसके बाद कूल होगी और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा। तो सॉलिडिफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? बॉटम से स्टार्ट होगा। सॉलिडिफिकेशन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, एंड इट विल बी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, दैट इज ए फेवरेबल टेंपरेचर ग्रेडियंट इन द केविटी। हम यही चाहते हैं कि जो राइजर है, ठीक है, जो आपका राइजर है, इट विल बी सॉलिडिफाई एट द लास्ट। तो टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्पर एंड राइजर या रनर एंड राइजर बोथ आर सेम, वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं बनाए जाते जनरली। ठीक है, बोथ आर, ठीक है, एक ही मतलब रनर ही आपका जो वर्टिकल रनर है या स्पर है, दैट विल वर्क एज अ राइजर, वही राइजर का काम करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि राइजर विल बी सॉलिडिफाई एट द लास्ट, राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज फेवरेबल कंडीशन टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर, उसमें फेवरेबल कंडीशन रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है। मूवमेंट करेगा, तो टॉप गेटिंग सिस्टम
give a favorable temperature gradient. Temperature gradient means change in variations in temperature. तो सबसे कम temperature, ठीक है, temperature सबसे पहले नीचे drop होगा, उसके बाद ऊपर वाली layer में drop होगा, फिर ऊपर वाली में, मतलब solidification नीचे से ऊपर की तरफ होगा. That is known as the temperature gradient. That is unidirectional solidification. And the last is about absorption of air. ठीक है, generally in the top gating system there is a probability to absorb the air inside the cavity by the molten metal. ठीक है, जो molten metal इसके अंदर क्या हो रही है, ऊपर से drop हो रही है, नीचे की तरफ movement कर रही है, molten metal is moving downward. ठीक है, और cavity के अंदर से flow करती हुई नीचे जाती है, तो जो भी air है cavity के अंदर that will be mixed into the molten metal. वो generally क्या होता है, dissolve हो जाती है in the molten metal. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, बात नहीं, cavity के अंदर जो casting मिलती है उसके अंदर defects मिलते हैं, उस air की वजह से we will get the holes in the casting. Casting के अंदर hole मिलते हैं. That is known as the top gating system. अब आते हैं next is a bottom gating system. In a bottom gating system, the molten metal is pushed from the bottom. Molten metal कहाँ से push करवाई जाएगी? Molten metal will be entering into the cavity. जो molten metal है, वो cavity में कहाँ से enter करेगी? वो cavity के bottom से enter करेगी. This type of a system is known as a bottom gating system. इसको bottom gating system बोलते हैं. जनरली यहाँ पर राइजर अलग होता है, स्पर या रनर अलग होता है, वर्टिकल रनर. तो देखो ये आपका राइजर है, ठीक है, केविटी को फिल होने के बाद मोल्टन मेटल विल बी राइज इनसाइड द राइजर. ठीक है, मोल्टन मेटल कहाँ राइज हो जाएगी, राइजर के अंदर राइज हो जाएगी. और यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को फिल करवाएंगे स्पर के थ्रू या इस रनर के थ्रू. दैट इज नोन एज द बॉटम गेटिंग सिस्टम. अब देखो यहाँ पर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सैंड erosion of a sand. Sand क्या, यहाँ पर जो molten metal है, that will be enter from the bottom, bottom से enter हो रही है, ठीक है? Slightly, slowly, it enter into the cavity. And there is no passing and erosion. Erosion means बह जाना, flow हो जाना sand का. तो sand का कोई flow नहीं होता. That there is less chance or less probability of mixing of a sand into the molten metal. Molten metal के अंदर mixing होने के यहाँ पर chance कम होते हैं. No problem of erosion of sand. Second is there's a less probability of absorption of air. ठीक है, molten metal कहाँ से enter करेगी, नीचे से enter करेगी. The molten metal is enter from the bottom, नीचे से enter करेगी. Air कहाँ push होती रहेगी, the air is pushing in the outward. ठीक है, air बाहर की तरफ push होती रहेगी. तो यहाँ पर जो आपका air का mixing के chances कम है, तो casting के अंदर holes नहीं मिलेंगे, holes के chances कम होते हैं. Next is bottom gating system does not give the unidirectional solidification. ये unidirectional solidification में वो promote नहीं करता है. तो सबसे पहले जो molten metal आएगी, that will be वो सबसे पहले यहाँ पर enter करेगी. मतलब first molten metal जो enter किया है, ठीक है, and that will be cooled first. जो सबसे पहले आएगी, उसकी सबसे पहले cooling start होगी, ठीक है. But the hot hotter metal, जो जिसके बाद metal आएगी, that is more hot, सबसे ज्यादा गर्म है, and that will be push. ठीक है, उसको क्या करेगी, it will be try to push in the forward upward direction. उसको upward direction में push करने की कोशिश करेगी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर hot metal लगातार क्या कर रही है, it will try to move in upward direction. और जो and it disturbing the cooling front. जो cooling front बन गया है, जो मतलब जो metal ठंडी हो रही है, उसको क्या करता है, disturb करता रहेगा. तो यहाँ पर directional solidification को ये promote नहीं करता है. Similarly, ठीक है, there is no favorable temperature gradient in the cavity. Favorable temperature gradient का मतलब क्या है? ठीक है, जो cooling कहाँ से start होनी चाहिए? Cooling will be start from the cavity. Cavity wall से start होनी चाहिए, और it will be moved towards the center of a cavity. और cavity के center की तरफ approach करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो cool हो रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? जो पर्सन कूल हो रहा है, इट्स पुश फॉर द सेंटर, सो सेंटर की तरफ पुश किया जा रहा है. ठीक है, इसलिए यहां पर ये यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को क्या नहीं करता, इट डज नॉट द प्रमोट, ये प्रमोट नहीं करता है. ठीक है, तो देखो दो प्रॉब्लम्स गेटिंग सिस्टम टॉप में थी. टॉप में क्या हो रहा है, टेंपरेचर ग्रेडियंट मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मिल रहा है. दैट इज अ बिग एडवांटेज ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम. पर वहां प्रॉब्लम क्या है, इरोजन ऑफ सैंड हो रहा है और एयर की मिक्सिंग हो रही है. बॉटम गेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसे उल्टा करता है. वो क्या करता है, वापस सैंड इरोजन की प्रॉब्लम नहीं है, एयर मिक्सिंग कम हो रही है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं हो रहा,
फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप नहीं हो रहे, ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या है, बॉटम गेटिंग सिस्टम क्या करता है, जस्ट अपोजिट एडवांटेज देता है एज कंपेयर टू द टॉप गेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट इज योर साइड गेटिंग सिस्टम। साइड गेटिंग सिस्टम इज द मिक्सिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम गेटिंग सिस्टम टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ बोथ गेटिंग सिस्टम, ठीक है। टॉप और बॉटम के अंदर जो एडवांटेज मिल रही है उनको गेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, टॉप और बॉटम को कंबाइन कर दिया और नेक्स्ट गेटिंग सिस्टम क्या बना दिया, साइड गेटिंग सिस्टम। इन दिस द मोल्टन मेटल इज इंटर्ड फ्रॉम द साइड। बॉटम मेटल कहां से इंटर करेगी, साइड से इंटर करेगी, ठीक है। साइड से मोल्टन मेटल विल बी इंटर, ठीक है। देखो यहां से इंटर करेगी, योर मोल्टन मेटल विल बी इंटर फ्रॉम द साइड, साइड से यहां से। यू कैन क्रिएट द मल्टीपल पैसेज, अ मल्टीपल पैसेज क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो इट गिव द बैलेंस्ड एडवांटेज ऑफ बोथ टॉप एंड बॉटम गेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये टॉप और बॉटम गेट दोनों की क्या देगा, बैलेंस करने एडवांटेज देगा इन साइड गेटिंग सिस्टम। साइड गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, मोल्टन मेटल इंटर फ्रॉम द साइड, पहले बॉटम से रिलीज करेगा, इस वाला गेट सिस्टम ये स्टार्ट हो जाएगा, यहां से मोल्टन मेटल इंटर करेगी, फिर टॉप से इंटर करेगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम इज नोन एज टॉप साइड गेटिंग सिस्टम। इन साइड गेटिंग सिस्टम वी गेट द एडवांटेज ऑफ टेंपरेचर ग्रेडियंट ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन एंड इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ erosion of a sand and absorption of a EM. So this is known as the different type of a gating system used in a sand mold. So sand mold के अंदर use करते हैं. Is it clear? क्या? आप वो inclined बनाओगे, वो actual में क्या होगा आपका? Side gating system ही तो होगा. आपकी जो केविटी के अंदर आपने तो इसको टिल्ट कर दिया, इसके टिल्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बात है कि आपने इसको टिल्ट कर दिया, स्पर को टिल्ट करने की बात कर रहे हो ना आप, यू आर इंटरेस्टेड टू इट, जहां से पैसे जा रहे हैं उससे फायदा को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, क्योंकि इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मोल्टन मेटल इंटर कहां से करेगा, टॉप से इंटर करेगा, बॉटम से इंटर करेगा या साइड से इंटर करेगा। ओके हाँ क्या, हाँ बॉटम गेटिंग सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो टॉप गेटिंग सिस्टम इज इजीएस्ट, सबसे आसान है बनाना, ठीक है, और बॉटम गेटिंग सिस्टम इज डिफिकल्ट, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेकिंग द बॉटम गेटिंग सिस्टम। नाउ इट इज क्लियर, हेलो, और कुछ पूछना आपको, हाँ बोलो, चलो नेक्स्ट, ओके चलो उस पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड योर कोड, समटाइम्स वी रिक्वायर्ड ए होल इनसाइड द कास्टिंग। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम कास्टिंग भी बोल सकते हैं, यदि हम कास्टिंग से बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो समटाइम्स वी रिक्वायर्ड ए होल, ठीक है, होल सर्कुलर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर शेप हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आप किस टाइप का कोई आपको क्या करना है, सॉरी सॉलिड बॉडी है कोई लाइक बॉक्स टाइप एंड यू वांट ए होल थ्रू आउट, होल बनाना है इसका अंदर से, तो सॉलिड बॉडी, और सॉलिड बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायमीटर का होल चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, या तो हम क्या कर ले, कास्टिंग के थ्रू पहले सॉलिड बॉडी को बनाए, वी मेक दिस सॉलिड बॉडी बाय द कास्टिंग, कास्टिंग के थ्रू बनाए, और फिर उसके अंदर क्या करें, मशीनिंग के थ्रू बाय द ड्रिल वी मेक ए होल, ये होल बना ले थ्रू आउट, ये अंदर जो होल बना हुआ है इसको बना ले यहाँ पर, दिस होल विल बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द मशीनिंग प्रोसेस। द सेकंड ऑप्शन इज यू क्रिएट दिस होल ड्यूरिंग द कास्टिंग, जब आपने प्रोडक्ट को कास्टिंग की उसी दौरान इस होल को बना ले, you can save the money material by this, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग के दौरान ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर होल बना लेते हो तो मनी मेटेरियल को आप क्या कर सकते हो, लेबर को सेव कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
दिस प्रोसेस वी यूज ए कोर, ठीक है। कास्टिंग के दौरान ही हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर होल बनाना है, कास्टिंग के अंदर होल बनाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोर यूज करते हैं। व्हाट इज अ कोर? कोर इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ अ सैंड, और क्या है, एक सॉलिड बॉडी है सैंड की बनी हुई, यूज टू फॉर्म ए केविटी ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज इन ए कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग मींस डिजायर प्रोडक्ट जो आपको बनाना है उसी के अंदर आपको क्या करना है, होल बनाना है रिक्वायर्ड शेप का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सैंड बॉडी यूज करते हैं उसी शेप की जिस शेप की में होल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, होता क्या है, वी फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर होल बनाना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वी मेक ए रोड ऑफ ए सर्कुलर होल, एक रोड बनाएंगे, लेकिन रोड किसी बनी होगी, है सैंड की बनी होगी। वी पुट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्ले, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, क्ले एड करते हैं ताकि पार्टिकल स्टिक प्रॉपरली, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली स्टिक कर जाए और सैंड की, एक सैंड की रोड बन जाए, ठीक है। दिस सैंड रोड पुट इन द केविटी, इस सैंड रोड को क्या करेंगे, जो आपकी मोल्ड के अंदर केविटी है, देखो ये मोल्ड की केविटी है, ठीक है, मोल्ड के अंदर केविटी बनी, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस सैंड बार को भी रख दिया, सैंड बार इज प्लेस्ड, वी प्लेस द सैंड बार इनसाइड द केविटी एट द रिक्वायर्ड पोजिशन, जहां पर होल बनाना है वहां पर हमने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। नाउ वी फिल द केविटी विद द मोल्टन मेटल, अब उसके बाद क्या कर देंगे, केविटी को मोल्टन मेटल से फिल कर देंगे। अब जहां पर आपके सैंड की बार है वहां पर तो क्या नहीं आ सकता, मोल्टन मेटल आ नहीं सकती, एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज फिल्ड विद द मोल्टन मेटल, रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, मोल्टन मेटल से फिल हो जाएगी, एंड इट सोल्डिफाई, ठीक है, इस कोर के चारों तरफ मोल्टन मेटल इज फिल्ड एंड इट सोल्डिफाई, ठीक है, इस सैंड बार के चारों तरफ मोल्टन मेटल क्या हो जाएगा, सोल्डिफाई हो जाएगा। After that, break the outer sand. इस outer sand को break कर दीजिए and take the this casting outside the mold. इस casting को बाहर निकाल लीजिए, जो solid body इसको बाहर निकाल लीजिए। Now remove this core. अब इसको क्या कर दोगे आप, इस sand bar को भी remove कर दोगे। You will get a casting with a hole. तो core क्या काम आती है, casting में hole बनाने का काम आती है। और pattern क्या काम आते हैं, pattern is used to create the cavity in the sand mold. पैटर्न सैंड मोल्ड में केविटी बनाने के काम आती है, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड पैटर्न, तो कोर क्या करती है, कास्टिंग के अंदर होल बनाने के काम आती है, और जो आपके पैटर्न है सैंड मोल्ड में केविटी करने के काम आता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ए कोर, इफ यू प्लेस दिस कोर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन दैट इज नोन एज ए हॉरिजॉन्टल कोर, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कोर बोल देंगे, इफ यू प्लेस इन ए वर्टिकल डायरेक्शन दैन दिस इज नोन एज ए वर्टिकल कोर, यदि आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन प्लेस कर देते हो सैंड बार को, दिस इज नोन एज ए वर्टिकल को। इफ दिस नोट इज पासिंग थ्रू आउट द केविटी, केविटी के थ्रू आउट पास नहीं कर रही है, दिस इज ए केविटी, ठीक है, ये आपकी सैंड चारों तरफ सैंड पैक्ड है इस केविटी के, और ये जो बार है आपकी सैंड की दैट इज एक्सटेंडेड इन सम पोर्शन ऑफ ए केविटी, ठीक है, इट इज हैंगिंग इन द केविटी, केविटी भी क्या करके हैंग कर रही है, लटक रही है एक तरीके से, दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड कोर, इसको क्या बोल देते हैं, हैंगिंग कोर या बैलेंस्ड कोर भी बोल देते हैं। दिस इज ए, इससे क्या बनेगा आपका, ठीक है, थ्रू आउट होल नहीं बनेगा, जब प्रोडक्ट को बनाकर निकालोगे आप बाहर इसके अंदर कहां निकलेगा, ठीक है, होल खत्म बनेगा अपटू सम एक्सटेंट, जहां तक आपकी कोर थी वहां तक क्या बनेगा, मेटल की जो सॉलिड बॉडी है उसके अंदर वहीं तक आपका क्या बनेगा, होल बनेगा, दिस इज नोन एज ए कोर, इसी को कोर बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कोर या व्हाट इज द कोर, एक टर्म और भी पूछते हैं, व्हाट इज द कोर प्रिंट, व्हाट इज द कोर प्रिंट, पी आर आई एन टी, कोर प्रिंट मींस, देखो इन द बोथ साइड द कोर इज प्लेस्ड इन ए केविटी वॉल, दोनों साइड केविटी वॉल्स के अंदर, ठीक है, जो केविटी की वॉल है कोर को उसके ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है, इट मींस वी रिमूव सम सैंड फ्रॉम द केविटी वॉल, कुछ सैंड यहां से हमें रिमूव करनी पड़ेगी, एंड वी इंसर्ट द कोर इनसाइड दैट वॉल, सिमिलरली वी रिमूव सम सैंड फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ ए केविटी वॉल एंड इंसर्ट द कोर इन दिस पोर्शन, दैट सीट, इस सीट को क्या बोलेंगे, जो केविटी वॉल के अंदर बनाएंगे, दिस सीट इज नोन एज ए कोर प्रिंट, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोर को प्लेस कर रहे हैं, द सीट एट विच
रिप्लेस द कोर इन द सैंड वॉल इज नोन एज ए कोर प्रिंट, उसको कोर प्रिंट बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। When half marks पूछते हैं, what is the core and core print? The next is you are क्या क्या repeat करते हैं? Core print की definition. Core print is a sheet which is created inside the cavity wall to place the core inside it. ठीक है, जो core end है उसको प्लेस करने के लिए, रखने के लिए वी क्रिएट ए सीट इन द केविटी वॉल, जो केविटी की वॉल है उसमें एक सीट बनाई है हमने, दैट इज नोन एज ए कोर प्रिंट, उसी को कोर प्रिंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूर नाउ वी स्टार्ट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ए कास्टिंग प्रोसेस। ये जो अब तक हमने डिस्कस किया दैट इज ए ट्रेडिशनल मेथड, जो अब तक हमने डिस्कस किया वो क्या था, हमारे स्टैंडर्ड मेथड था टू क्रिएट द कास्टिंग क्रिएट करने का। बट समटाइम्स द शेप इज सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप और साइज है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वी कैन नॉट क्रिएट द केविटी डायरेक्टली, हम डायरेक्टली केविटी क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द केविटी इनसाइड द सैंड मोल्ड, तो वी आर यूजिंग सम अदर मेथड, तो दूसरे मेथड यूज करते हैं। इन विच द फर्स्ट मेथड इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वी यूज द पैटर्न ऑफ ए वैक्स, यहाँ पर जो पैटर्न यूज किया जाता है वो वैक्स का यूज किया जाता है। तो किस तरह से करते हैं, प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी क्रिएट द पैटर्न, वी क्रिएट द पैटर्न ऑफ ए वैक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर in a large quantity, ठीक है, you can see that the number of curvatures, ठीक है, projections and grooves on this product, ठीक है, बहुत सारी curvatures बने हुए हैं इस product के ऊपर, और इस तरह के product बनाने में, और वो भी large quantity में बनाने हैं, हम क्या करेंगे, we create the this type of object by using the wax, ठीक है, जो skilled labor है, या by some other method, सबसे पहले हम क्या करेंगे, wax का use करके, ठीक है, हम इस तरह के फॉर एग्जाम्पल सिक्स पैटर्न बना लिए, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पैटर्न आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द वैक्स, ठीक है, एंड ऑल दिस आर कनेक्टेड टू द वैक्स रोड, ठीक है, उन सबको क्या कर देंगे, वैक्स की रोड, एक वैक्स की सिंपल रोड बना लेंगे, तो सब कनेक्ट कर देंगे जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, तो दिस इज द वैक्स पैटर्न, ये वैक्स के पैटर्न है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय स्किल्ड लेबर और सम अदर मेथड, and are connected, ये भी जो connections है ये भी किससे बने हुए हैं, wax का बने हुए हैं, and this road is also wax, and this portion is also of a wax, पूरा का पूरा जो आपका ये object है, it is created by using the wax, pattern को बनाया और एक wax road के साथ connect कर दिया, this is known as the wax, इसको बोलते हैं wax tree, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं wax tree, क्योंकि ये इस तरह लगता है पीछे branch है और चारों तरफ क्या है आपके leaves हैं, like this, ठीक है, so that is known as the wax pattern basket system. Now we deep inside the semi-solid ceramic cellaring, ठीक है, अब इस pattern को क्या करेंगे, जो हमने ये wax tree बनाया है, wax getting system या wax tree बनाया है, इसको किसमें deep करवाएंगे, एक semi-solid सेरेमिक सेमी सॉलिड सलरी के अंदर इसको डिप करवाएंगे, ठीक है, सो दैट देयर बी अ थिन कोटिंग ऑफ दिस सलरी ऑन द सरफेस ऑफ ए पैटर्न, जो वैक्स ट्री है उसके ऊपर क्या आ जाए, उस सलरी की कोटिंग आ जाए चारों तरफ, ठीक है, जब उसका कलर पहले कुछ और था, अब उसकी कोटिंग के बाद क्या आ गया, कलर आ गया, ठीक है, व्हाट इज द सेरेमिक सलरी, सेरेमिक्स आर द मटेरियल्स व्हिच आर मेटल, व्हिच आर नॉट ए मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, सेरेमिक्स वो मटेरियल्स होते हैं जो ना तो मेटल के कैटेगरी में आते हैं ना नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपके स्टोन है, ब्रिक्स है, लाइमस्टोन है, ठीक है, दीज मटेरियल्स आर नोन एज सेरेमिक्स, ग्लास है, ये सब किस में आते हैं, सेरेमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनका पाउडर फॉर्म के अंदर वाटर ऐड करके हम क्या बना लेते हैं, सलरी बना लेते हैं,
सेमी सॉलिड लिक्विड बना लेते हैं एंड दैट इज नोन एज सेरेमिक सलरी, उसे वो सेरेमिक सलरी बोलते हैं। आपको क्या करना है कि इस वैक्स ट्री को उस सेमी सॉलिड के अंदर डिप करवाना है और बाहर निकालना है, डिप करवाना और बाहर निकालना है मल्टीपल टाइम्स, सो दैट ए थिक लेयर इज कवर्ड बाय कवर्ड द पैटर्न, एक थिक लेयर पैटर्न के ऊपर जो वैक्स ट्री है उसके ऊपर आ जाए चारों तरफ, ठीक है। लेकिन जो लास्ट ये पोर्शन है इसके ऊपर कोटिंग नहीं करते, इसको डिप नहीं करवाया जाता, ठीक है। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया, देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सलरी का ड्रम भरा हुआ है और इसके अंदर क्या है, ये आपका, ये आपके वैक्स का, वैक्स ट्री का बनी हुई है, ठीक है। और ये आपके पैटर्न है 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 6 पैटर्न जुड़े हुए हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने इसमें डिप किया, बाहर निकाला और कुछ देर इसको बाहर ही रखते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, इसका दोबारा डिप करवाया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम डिप करवाते हैं, तो सफिशिएंट थिकनेस इज कवर्ड टू द वैक्स ट्री। आफ्टर दैट वी पुट इनसाइड द ओवन, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, यहां पे स्टेप मिक्सिंग है, मिसिंग है इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब उसको क्या किया जाएगा, इन सेमीज को, इन जो भी अपने फैक्ट्रीज बनाए हैं, ठीक है, आफ्टर डिपिंग इनटू द सेरेमिक सिलरी इट प्लेस्ड इनटू द, उल्टा करके, प्लीज म्यूट योर माइक, इनको उल्टा करके, ठीक है, वी प्लेस्ड इनटू द फर्नेस या ओवन, ओवन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, वन बाय वन वी आर एंटरिंग टू द फर्नेस, फर्नेस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बाय द हीट ऑफ ए फर्नेस द वैक्स इज मेल्टेड इनसाइड, जो अंदर वैक्स है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी एंड इट विल बी मूव आउट फ्रॉम द स्पर, जो रनर उसके थ्रू क्या हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगी एंड यू विल गेट ए सॉलिड सॉलिड केविटी बाय यूजिंग दिस मेथड। आपको क्या करना है, इसको हीटअप करना है, हीटअप करने के बाद जो वैक्स है वो बाहर आ जाएगी एंड यू विल गेट द सॉलिड केविटी, एक केविटी केविटी मिल जाएगी आपको एंड आफ्टर दैट यू विल फिल द मोल्टन मेटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इन द नेक्स्ट स्टेप यू फिल द मोल्टन मेटल, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को इसके अंदर फिल करेंगे। नाउ वी पोर द मोल्टन मेटल एंड द कंटेनर इन विच द मोल्टन मेटल इज कैरी, दैट इज नोन एज लैडल, ठीक है, जिसके अंदर मोल्टन मेटल कैरी करके लाते हैं उसको लैडल बोलते हैं, ठीक है। तो होलो सेरेमिक सेल बन जाएगी, ठीक है, जो आपकी वैक्स बाहर आ जाएगी, तो बाहर आने के बाद यू विल गेट ए होलो सेरेमिक सेल, होलो आपका सेल बन जाएगा। Now you pour the molten metal. इसके अंदर molten metal pour करते होंगे, ठीक है। After the solidification, you break the outer cover. जो outer cover बना ceramic materials का, उसको break कर दोगे। This outer cover, ceramic material is highly brittle in nature. So vibration करके you can remove the outer cover and you will get the your pattern. You will get your final casting. Sorry, you will get the final casting. लेकिन सभी क्या होंगे? यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक सॉलिड मेटल की रोड होगी और यहाँ पर सॉलिड मेटल की रोड होगी, क्योंकि पूरा का पूरा किससे भरा था, अपने मोल्टन मेटल से फिल किया था। बाय मशीनिंग यू विल कट इट, बाय मशीन से आप क्या कर दोगे, इन सब कास्टिंग को यहाँ से कट कर दोगे एंड यू विल गेट योर डिजायर 6 कास्टिंग, आपको आपकी फाइनल 6 डिजायर कास्टिंग मिल जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जनरली यूज क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट व्हिच आर वेरी हाई कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड साइज, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, आपकी जो है जेट इंजन की ब्लेड बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज है, दैट आज क्रिएटेड बाई यूजिंग द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इज इट क्लियर, ठीक है। यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो भी देख सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप एमपी के जितने भी आपको टॉपिक्स हैं, आप उनको यूट्यूब पर वीडियो जरूर देखिए। द नेक्स्ट इज परमानेंट मोल्ड। अब तक हमने जो मोल्ड डिस्कस किया था वो आपका क्या था, एक्सपेंडेबल या टेम्परेरी मोल्ड था, बिकॉज द मोल्ड इज ब्रेक आफ्टर ईच कास्टिंग। सैंड मोल्ड को क्या कहता है, हर कास्टिंग के बाद ब्रेक करके जाता है टू टेक टू
टू गेट द कास्टिंग, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आउटर जो सैंड कवर है उसको ठीक करना पड़ता है. नेक्स्ट इज परमानेंट मोल्ड. इन द परमानेंट मोल्ड आर जनरली इज नॉट डिस्टर्ब्ड आफ्टर ईच कास्टिंग. हर कास्टिंग के बाद हम क्या नहीं करते, उसको ब्रेक नहीं करते. ये परमानेंट मोल्ड किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, स्टील के, कास्ट आयरन के, ब्रास या ब्रॉन्ज के, इसके डिजाइन में बनाए जाते हैं. ठीक है, देयर टू मेटल ब्लॉक्स होते हैं, आपके पास एक मेटल का ब्लॉक होगा, ठीक है, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी हाफ शेप इज क्रिएटेड. ठीक है, उसके अंदर क्या कर देंगे, ये आपका मेटल का ब्लॉक ब्लॉक है और ये जो आपकी शेप है उतनी आप कैविटी, हाफ कैविटी इज क्रिएटेड. इस मेटल पोर्शन को रिमूव कर दोगे बाय मशीनिंग प्रोसेस. बाय मशीनिंग क्या कर दिया आपने, ठीक है, ये रिमूव द मेटल, हाफ कैविटी को क्रिएट कर लोगे. सेकंड, एक मेटल का ब्लॉक और लोगे, उसके अंदर भी क्या कर लोगे, हाफ कैविटी उसके अंदर क्रिएट करोगे, मेटल को रिमूव कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दो मेटल ब्लॉक्स के अंदर हाफ एंड हाफ कैविटी आ जाएगी. ठीक है, और जब इसमें दोनों आप मेटल ब्लॉक को क्लैंप करोगे तो यू विल गेट द फुल कैविटी, फुल कैविटी मिल जाएगी. दिस टाइप ऑफ ए मोल्ड इज नोन एज ए परमानेंट मोल्ड. ठीक है, इसी मोल्ड को क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं इसी. ठीक है, जो मेटल का मोल्ड है आपको सेम मोल्ड के अंदर यू फिल द मोल्ड मेटल मल्टीपल टाइम्स, बार बार मोल्ड मेटल फिल करते रहोगे, यू विल गेट द सेम शेप एंड साइज ऑफ ए कास्टिंग. ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है नीचे, ठीक है, ये आपका आपका वन पार्ट है. जनरली वन मोल्ड इज फिक्स, एक मोल्ड को फिक्स रखते हैं, एंड सेकंड मोल्ड इज मूवेबल, दूसरा मोल्ड मूवेबल होता है. ठीक है, बिफोर फिलिंग द मोल्डन मेटल, ठीक है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ठीक है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की कोटिंग की जाती है, सो दैट मोल्डन मेटल डोंट फ्यूज विद द मेटालिक ब्लॉक. जो आपके मेटालिक ब्लॉक्स हैं, ये जो मोल्ड है, यदि आप डायरेक्टली मोल्डन मेटल को फिल कर दोगे, इट विल स्टिक, इट विल बॉन्ड टू द फ्यूज विद द मेटालिक बॉन्ड टू मेटालिक मोल्ड. जो मेटल के मोल्ड्स बने हुए हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, ये मोल्डन मेटल फ्यूज हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी. उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी स्प्रे द रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं या ऑयल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, आफ्टर दैट वी फिल द मोल्डन मेटल. ठीक है, ये दिखाया गया है. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वी पुश दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को पुश कर देंगे आगे की तरफ, और जैसे दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, कैविटीज के कैविटीज कंप्लीट, कैविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज अ कोर, एक और दिखाई गई है, बिकॉज वी रिक्वायर ए होल इनसाइड द कास्टिंग. तो जहां पर हमें मोल्टन मेटल नहीं चाहिए वहां पर हम क्या कर देंगे, कोर को प्लेस कर देंगे. दिस टाइप ऑफ ए मोल्ड इज नोन एज ए परमानेंट मोल्ड, दैट इज हाईली इकोनॉमिकल फॉर द हाई प्रोडक्शन रेट. जब लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या करना हो, प्रोडक्शन करना हो, थाउजेंड क्वांटिटीज के अंदर सेम साइज सेम साइज प्रोडक्ट, ठीक है, तो मेटालिक मोल्ड इज हाईली इकोनॉमिकल, बिकॉज इसके अंदर ना आपको बार बार रनराइजर बनाने की रिक्वायरमेंट है, न बार बार आपको कैविटी क्रिएट करने की जरूरत है. आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है टू क्रिएट द कैविटी इनसाइड द मेटालिक ब्लॉक्स. तो मेटालिक ब्लॉक्स हम एक बार कैविटी क्रिएट करनी है, ठीक है, दैट इज जनरली नॉन इकोनॉमिकल. ठीक है, यदि आपको दो चार पीस बनाने हैं, ठीक है, तो मेटल ब्लॉक के अंदर कैविटी करना ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू द क्रिएट द कैविटी इन द सैंड. सैंड में कैविटी क्रिएट कर कंपेयर करने के लेकिन जब लार्ज प्रोडक्शन किया जाएगा तो इट विल बी इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमिकल हो जाएगा. जनरली यूज फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल. ठीक है, ये मोल्ड किसके बने हुए हैं, आपके मेटल्स के बने हुए हैं. ठीक है, इन मेटल्स का भी अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, जिससे ज्यादा आपने मोल्टन मेटल का टेम्परेचर डाला इसके अंदर, तो ब्लॉक भी क्या हो जाएंगे, आपके मेल्ट हो जाएंगे. ब्लॉक इज मेल्ट, यदि ब्लॉक मेल्ट हो गया, आपके मोल्ड भी मेल्ट हो गया, तो कैविटी कहाँ सर्वाइव करेगी. इसलिए जर्नी क्या है, ठीक है, तो जो आपके मोल्ड का मटेरियल है, इट डिसाइडेड द व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ ऑफ ए मोल्टन मेटल, कि मोल्टन मेटल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अलाउ किया जाए इन द परमानेंट मोल्ड. जर्नी जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं वही क्या उनकी कास्टिंग की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइक दिस, इट गिव वेरी बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग. जो मेटल्स हैं, जो जैसी आपकी कैविटी की शेप होगी, जैसी आपकी जो कैविटी की वॉल्स की जो कैविटी की जो वॉल्स हैं,
जितनी बेटर ग्रेविटी वोल्स डेवलप होंगी उतनी ही बेटर आपकी कास्टिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो जुदरनी भी कहता है बेटर सरफेस इन द मेटेलिक मोल्ड, जो परमानेंट मोल्ड है उनकी जो सरफेसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा हमें क्या मिलती है, सरफेस फिनिशिंग मिलती है एज कम्पेयर टू द सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड के कम्पेयर में। इसलिए कास्टिंग में क्या मिलती है हमें, सरफेस फिनिशिंग बेटर मिलती है और बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी मिलती है। दे आर लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, कैविटी क्रिएट नहीं करनी, रनराइजर नहीं बनाने, ठीक है। सब एक बार क्रिएट करने हैं, उसके बाद बार बार आपको क्या करना है, ठीक है। यू क्लैम्प द दिस टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक क्लैम्प किया, फिल द मोल्ड और मोल्ड मेटल को फिल किया। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर एज ए सैंड मोल्ड, जैसे सैंड मोल्ड में कर रहे थे आप, ठीक है। वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार कैविटी क्रिएट करनी है, रनराइजर बनाने हैं, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। वेरी थिन मटेरियल कैन बी कास्ट बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड, 2.4 mm थिकनेस के मटेरियल आपके प्रोडक्ट भी क्या किया जा सकते हैं, कास्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड, ठीक है। तो वी डिवाइड द परमानेंट मोल्ड इन टू टाइप्स, द फर्स्ट इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग, फर्स्ट इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग। इन ग्रेविटी डाई कास्टिंग the molten metal fill inside the cavity under the influence of a gravity, ठीक है। जो आपने मेटेलिक ब्लॉक्स के अंदर कैविटी बनाई है, दैट इज ए परमानेंट मोल्ड के अंदर, तो हाउ यू फिल द molten metal, molten metal कैसे फिल कर रहे हो, ठीक है। दैट डिसाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ ए परमानेंट मोल्ड टाइप, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि अलग अलग टाइप के परमानेंट मोल्ड क्या 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 टाइप होंगी। तो फर्स्ट इज योर ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब यू फिल द molten metal, आपको मोल्टन मेटल क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो किसके अंदर, रनर के अंदर, वर्टिकल स्पर के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आपने क्या किया, एक लैडल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर मोल्टन मेटल है, एंड यू पोर्ड दिस मोल्टन मेटल इनटू द रनर, आप क्या कर रहे हो उसके अंदर पोर्ड कर रहे हो। ग्रेविटी फील होने के बाद मोल्टन मेटल राइज कर जाएगी इनटू द राइजर, राइजर के अंदर राइज कर जाएगी। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज द ग्रेविटी डाई कास्टिंग, इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। हाउ यू आफ्टर द सोलिडिफिकेशन यू एनक्लैम्प, एक क्लैंप स्पिन हटा दोगे एंड एनक्लैम्प टू टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स को आप क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, ठीक है। तो यू विल गेट द कास्टिंग, तो आपको क्या मिल जाएगी, कास्टिंग मिल जाएगी, यू विल गेट द फाइनल कास्टिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। There are one big disadvantage of permanent mold is the permeability of this mold is zero. So permanent mold होते हैं, उनकी permeability क्या होती है, zero होती है। तो जो भी gas trap होगी inside the cavity, that cannot move outside the casting. वो casting से बाहर नहीं जा सकती। तो generally permanent mold के अंदर क्या होते हैं, holes, pin holes, ठीक है, जो problems हैं, that is very large as compared to the sand mold. Sand mold के compare में वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज यूअर डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है। इसको डाई कास्टिंग भी बोलते हैं और प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। नाउ द लिक्विड मेटल इंजेक्टेड इनटू द परमानेंट मोल्ड अंडर द प्रेशर, पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ग्रेविटी के उससे मोल्टन मेटल को कैविटी को फिल कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो दैट पार्टिकल्स कैन कैम टू ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आए एंड इट इज मोर डेंसर, अब डेंस कास्टिंग होती है, ठीक है। पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आए, ज्यादा मोल्टन मेटल को क्या किया जा सकता है, सेम वॉल्यूम के अंदर पुश किया जाएगा, ठीक है। सो दैट डेंसिटी कैन बी इंक्रीज, ताकि डेंसिटी को बढ़ाया जा सके। देखो ये आपकी क्या एक्टिविटी है, ये दो मोल्ड का यूज करके एक्टिविटी बनाई गई, जिसे एक्टिविटी इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, एंड दिस इज ए चेंबर, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसको चेंबर बोलते हैं, ठीक है। वी फिल द मोल्टन मेटल बाय दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग से मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, एंड नाउ वी पुश द पिस्टन इन चेंबर, ठीक है। पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे इनसाइड द चेंबर, जैसे आपका ये पिस्टन इज मूव मूव फॉरवर्ड एंड रीच इन दिस पोजिशन, there is a pressure will start to create on the molten metal.
जैसे इस ओपनिंग से आगे आपका पिस्टन चला जाएगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट टू गेट द प्रेशर इन द मोल्टन मेटल एंड मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड इनटू द कैविटी अंडर द प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज मेंटेन्ड. ये मोल्टन मेटल कहाँ गया? आपकी यहाँ पर आ गया, ठीक है, एंड दिस प्रेशर इज मेंटेन्ड इनसाइड द कैविटी अप टू द सोलिडिफिकेशन. ये प्रेशर कब तक मेंटेन रखा जाता है? तब तक सोलिडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस प्रेशर को मेंटेन रखते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द प्रेशर डाई कास्टिंग और डाई कास्टिंग. आपका अटेंडेंस का टाइम